हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इंस्टा रिव्यूज। तो आज हम बात करने वाले हैं ड्रीम गर्ल 2 मूवी के रिव्यू के बारे में। ड्रीम गर्ल 2 जिसमें फ्रेंड्स आपको लीड रोल में आयुष्मान खुराना नजर आ जाएंगे और फ्रेंड्स इनके साथ आपको बहुत सारे को स्टार्स नजर आएंगे और फ्रेंड्स फीमेल लीड एक्ट्रेस में आपको अनन्या पांडे नजर आ जाएगी। और फ्रेंड्स इस मूवी का रन टाइम है 2 घंटे 13 मिनट के आसपास। बात करेंगे कि क्या ये मूवी ड्रीम गर्ल के सीक्वल पर खड़े उतर पाती है या नहीं, उसके लेवल को मैच करती है या नहीं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर कोई भी इस चैनल पर नया आया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। आइए फ्रेंड्स डिटेल में बात करते हैं। ड्रीम गर्ल 2 फ्रेंड्स स्टार्ट होती है करम कुमार नाम के लड़के के साथ। यहाँ पर फ्रेंड्स स्टोरी दिखाई गई है, एक लड़की के चक्कर में फ्रेंड्स पड़ जाता है करम और फ्रेंड्स उसे काफी प्यार करता था। लेकिन फ्रेंड्स ये गरीब होने के कारण इन पर काफी उधार था, इसके बाप पर भी काफी उधार दिखाया गया है। और उसके बाद जब लड़की का बाप वहां पर आता है तो वो ये सब देखकर कुछ शर्तें रख देता है लड़के के सामने कि उसके बैंक में 25 लाख होना चाहिए और वो अच्छी नौकरी पर लगा होना चाहिए। तो बस उसके बाद क्या था, उसके बाद हमारा लड़का बन जाता है लड़की। और फ्रेंड्स लड़की बनकर ऐसे ऐसे कांड किए यहाँ पर करम कुमार ने कि आप पूछिए मत। और फ्रेंड्स सारी दुनिया उसके प्यार में पागल हो जाती है। फ्रेंड्स इसमें कॉमेडी इतनी अच्छी दिखाई गई है आप पूछिए मत। मतलब स्टोरी टाइमलाइन बहुत ही शानदार बनाया गया है, ड्रीम गर्ल के लेवल को पूरी तरह से मैच करती है। यहाँ पर एक लेवल ऊपर लेकर गए हैं ड्रीम गर्ल का। फ्रेंड्स बहुत ही बढ़िया मूवी बनाई गई है, बहुत ही कम बजट में मूवी बनाई थी, 35 करोड़ के बजट में मूवी बनाई है और मुझे लगता है फ्रेंड्स ये अपना बजट बहुत आराम से पूरा कर जाएगी। और कॉमेडी लेवल बहुत ही शानदार दिखाया गया है, कॉमेडी पंचेस जो इसमें दिखाए गए हैं वो बहुत ही बढ़िया थे। कॉमेडी पंचेस इसलिए भी फ्रेंड्स अच्छे लगते हैं क्योंकि इसमें काफी कॉमेडियन एक्टर्स भी दिखाए गए हैं, जैसे कि फ्रेंड्स अनु कपूर दिखाए गए, उसके बाद मंजोत सिंह थे, विजय राज दिखाए गए, परेश रावल भी दिखाए गए, राजपाल यादव, सुदेश लहरी, तो फ्रेंड्स बहुत सारे कॉमेडियन एक्टर्स दिखाए गए जिसके कारण फ्रेंड्स कॉमेडी में मजा आता है, अच्छी कॉमेडी लगती है। मतलब अच्छे जोक्स लगते हैं जब भी आप यहाँ पर स्क्रीन पर देखेंगे इनके जोक्स। एक मिनट के लिए भी आपको फ्रेंड्स मूवी बोरिंग नहीं लगेगी। और फ्रेंड्स आयुष्मान खुराना अपने लेवल पर इस मूवी को उठाकर रखते हैं, उनका जो लेवल है वो बहुत ही शानदार दिखाया गया है। फ्रेंड्स एज ए लड़की भी वो इतना अच्छा रोल प्ले कर रहे हैं कि माइंड ब्लोइंग फ्रेंड्स। और जब जब फ्रेंड्स गाने बजते हैं तो गाने बहुत ही अच्छे लगते हैं इस मूवी के। फ्रेंड्स अगर सॉन्ग्स की बात करें तो पहले आधे घंटे में ही यहाँ पर आपको 3 सॉन्ग्स दिखा दिए जाते हैं और उसके बाद फ्रेंड्स मूवी के लास्ट में 1 सॉन्ग दिखाया जाता है, तो वो थोड़ा सा मुझे ड्रॉबैक लगा। गाने तो बहुत अच्छे थे मूवी के लेकिन फ्रेंड्स अच्छे इंटरवल्स पर दिखाते तो वो थोड़ा सा अच्छा रहता क्योंकि इंटरेस्ट बना रहता है सॉन्ग्स के साथ साथ मूवी में। तो फ्रेंड्स वो आधे घंटे में जो 3 सॉन्ग दिखा दिए तो वो थोड़ा सा ड्रॉबैक लगा। गाने तो बहुत ही अच्छे थे, यहाँ पर जितने भी 4 गाने दिखाए गए हैं वो बहुत ही बढ़िया थे। उसके बाद फ्रेंड्स अगर एक्टर्स के परफॉर्मेंसेस में बात करें तो आयुष्मान खुराना एक बार फिर से बहुत ही अच्छा रोल प्ले करते हुए नजर आए हैं। और फ्रेंड्स जो ड्रीम गर्ल में उन्होंने रोल प्ले किया था उसमें तो फ्रेंड्स उन्होंने लड़की की अकेली आवाज निकाली थी, लेकिन यहाँ पर फ्रेंड्स वो पूरे का पूरा लड़की बन गए और जो लड़की बनकर भी रोल प्ले किया है वो बहुत ही शानदार रोल प्ले किया है। मतलब इतने कॉमेडी पंचेस अच्छे मारे हैं उन्होंने कि अपने लेवल पर मूवी को उठाया है, मैं ये बोल सकता हूँ। अकेला आयुष्मान खुराना था जो फ्रेंड्स मूवी को उठाकर रखे हुए था, उसके साथ को स्टार्स भी थे, वो भी उनकी भी कॉमेडी बहुत अच्छी लग रही थी, लेकिन फ्रेंड्स जो आयुष्मान खुराना थे वो आयुष्मान खुराना ही है। और फाइनली फ्रेंड्स एक अच्छे स्क्रिप्ट के साथ नजर आए आयुष्मान खुराना और उनके साथ फ्रेंड्स जो लीड एक्ट्रेस दिखाई गई थी अनन्या पांडे, उसका तो भाई कुछ खास रोल दिखाया ही नहीं गया, तो वो तो शायद ना भी होती तो शायद तब भी काम चल जाता ड्रीम गर्ल का। तो इसीलिए आयुष्मान खुराना बोल रहा हूँ, आयुष्मान खुराना ने एक्टर का काम भी किया और एक्ट्रेस का काम भी किया। तो इसीलिए फ्रेंड्स इस मूवी को रेटिंग्स देना चाहूंगा 5 में से 3.5 स्टार्स रेटिंग। बहुत ही बढ़िया मूवी थी फ्रेंड्स, आप इसे जाकर जरूर देखें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक शेयर और कॉमेंट करना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।